वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो अब तक हमने देखा था सोंगयान शियालिन को बताता है कि असल में उसने पिछले जन्म में भी शियालिन से ही प्यार करा था। और उसके बाद शियालिन बताता है कि ज़ीलिन विलेज में तबाही आने वाली है और पिछले जन्म में वो ये सब झेल चुका है। तो सोंगयान एकदम से शौक हो जाता है और पूछता है कि मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। शियालिन जवाब देता है, मैंने तुम्हें बताया था लेकिन उस वक्त तुमने मेरी सुनी नहीं थी। सोंगयान शौक होता है और बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मुझे कब बताया? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इतनी बड़ी बात भूल जाऊँ। शियालिन बोलता है, पिछले जन्म में ये इसी महीने की बात थी, मैंने तुम्हें फ़ोन करा था, तुम्हें याद है? सोंगयान सोचने लगता है, ज़रा मुझे सोचने दो। और वो सोचे जा रहा था तभी शियालिन कहता है, रहन दो, मुझे लगता है तुम्हें कुछ याद नहीं। सोंगयान हंसने लगता है और बोलता है, उस वक्त मैं केवल ग्रेजुएट ही तो हुआ था, बहुत समय हो गया उस बात को, मुझे याद नहीं आ रहा, ज़रा सी हिंट दे दो। शियालिन बोलता है, उस वक्त मैंने तुम्हें कॉल करा था और तुम्हें बोला था कि मैं ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए ज़ीलिन विलेज आया हूँ और वहाँ पर मडस्लाइड हो गई है। तभी मुझे फ़ोन पर एक अजीब सी आवाज़ आई और मुझे पता लगा कि लुओ तोंग ने खाना बनाते वक्त अपने आप को जला लिया है। तुम एकदम से परेशान हो गए थे और जल्दी में तुमने फ़ोन काट दिया, इसीलिए शायद तुम सुन नहीं पाए मैं क्या कह रहा था। सोंगयान बोलता है, हाँ मुझे याद आया। और वो याद करता है कि लुओ तोंग ने उस टाइम पे अपने आप को जला लिया था। और सोंगयान एकदम से उसके पास आकर बोलता है, लुओ तोंग क्या हुआ? यू लुओ तोंग बोलता है, मैं तो बस खाना बनाना सीख रहा था और देखो उसके पूरे हाथ जल गए थे। फिर सोंगयान बोलता है, शियालिन मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे लुओ तोंग को हॉस्पिटल ले जाना है। और फ्लैशबैक एंड होता है। सोंगयान को अब काफ़ी गिल्ट हो रहा था कि शियालिन इतनी मुसीबत में था और उसने पहली बार उसको कॉल करा, फिर भी सोंगयान ने उसकी नहीं सुनी। और वो बोलता है, तो उस वक्त तुम पहाड़ों पे फंस गए थे और इसीलिए तुम मुझे फ़ोन कर रहे थे। शियालिन बोलता है, कोई बात नहीं, पहाड़ों के सिग्नल वैसे भी अच्छे नहीं आते, उसके बाद जब मडस्लाइड हुई तो फ़ोन और मैसेजेस मैं नहीं कर पा रहा था क्योंकि सिग्नल ही नहीं थे, इसीलिए मेरे पास कोई चांस बचा ही नहीं था कि मैं तुम्हें दोबारा फ़ोन कर पाऊँ। वो तो बाद में रेस्क्यू टीम ने मुझे ढूंढ लिया और मुझे हॉस्पिटल ले गई। उस वक्त भाई और सोशियो हॉस्पिटल की ओर आ रहे थे क्योंकि ज़ीलिन विलेज काफ़ी दूर है, तो उन्हें काफ़ी समय लग गया और मैं वहाँ बस हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ था अकेले। मुझ पर पोटल चढ़ रही थी, जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद करी काफ़ी सारी डरावनी यादें मेरे आसपास आ रही थी और मैं उसी के बारे में सोचे जा रहा। और फिर एकदम से शियालिन रुक जाता है और मन में सोचता है, मैं ये सब बातें इसे क्यों बता रहा हूँ, क्या फ़ायदा अपना रोना गा के इसके सामने। और सोंगयान दुखी होकर बोलता है, मुझे माफ़ कर दो। और वो शियालिन के पास आ रहा होता है, शियालिन मैं माफ़ी मांगता हूँ। शियालिन अपने आप को सोंगयान से हटा लेता है और बोलता है, मैं ये सब तुम्हारी सिंपैथी लेने को नहीं कह रहा था, मैं बस ये सब इसीलिए बता रहा हूँ ताकि तुम मेरी अब मदद करो कि कोई मेरी तरफ फंसे नहीं। और शियालिन मन में सोचता है, पिछली ज़िंदगी में मैं तो बच गया था पर ऐसे कई लोग थे जो अपनी जान गंवा चुके थे, मैं वापस ये सब नहीं चाहता, फिर मेरे पुनर्जन्म का फ़ायदा ही क्या है। और वो बोलता है, मुझे स्पेसिफिक डेट तो नहीं याद कि मडस्लाइड कब आई थी, लेकिन क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो सबको ये चेतावनी देने में कि कोई दुर्घटना होने वाली है ताकि सब लोग अवेयर हो जाएं। सोंगयान बोलता है,
जब मडस्लाइड आई थी तो क्या तुम्हें कोई मौसम का पता है कि उस वक्त मौसम कैसा हो रहा था? शियालिन सोचता है और बोलता है, जहाँ तक है बारिश हो रही थी, पर मैं नहीं जानता क्योंकि सिलिन विलेज में ऐसी बारिश होती रहती है। तभी कोई लेडी आती है और बोलती है, क्या आप दोनों मेरी मदद करोगे? सोंगयान बाहर जा रहा होता है और बोलता है, अभी पेशेंट को हम क्लिनिक ले जाते हैं और बाकी बात बाद में करेंगे। शियालिन बोलता है, ओके। और सीन चेंज होता है। शियालिन देखता है कि सोंगयान गांव के मेयर से बात कर रहा होता है, जहां पर मेयर बोल रहा था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सोंगयान बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। शियालिन मन में सोच रहा था, इतनी ठंडी हवाएं, और वो देखता है कि बारिश होना चालू हो जाती है, और वो ऊपर आसमान की ओर देखता है और एकदम से शॉक हो जाता है। मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में भी इसी तरह आसमान को देखा था और ऐसे ही बारिश होना चालू हो गई थी, तो यानी कि समय आ चुका है। और शियालिन चिल्लाता है, सोंगयान, आज का दिन है वो, आज का। सोंगयान उसके पास आता है और बोलता है, क्या तुम श्योर हो? शियालिन बोलता है, हाँ। सोंगयान बोलता है, अच्छा ठीक है, बाकी मुझ पर छोड़ दो, मैं विलेज के मेयर से बात करता हूँ। 5 मिनट बाद सोंगयान शियालिन के पास आता है। शियालिन बोलता है, तुमने उससे क्या कहा? सोंगयान बोलता है, मैंने विलेज चीफ को बताया कि मुझे म्यूनिसिपल जियोलॉजिकल ब्यूरो से फ़ोन आया है और वो लोग कह रहे हैं कि सिलिन विलेज में भारी वर्षा होगी, उसकी वजह से मडस्लाइड हो सकती है और बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। और मैंने उनसे कहा कि सारी घूमने की जगहों को आज के लिए बंद कर दें और सारे गांव वालों को उनके घर भेज दें, और जो लोग भी आज हाइकिंग के लिए जा रहे थे उन्हें मना कर दें। शियालिन बोलता है, और इससे चीफ मान गया कि तुम सच बोल रहे हो? सोंगयान बोलता है, ये तो जाहिर सी बात है कि वो नहीं मानता। विलेज चीफ कह रहा था कि यहाँ बारिश होती रहती है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो मैंने उससे कहा कि ऊपर देखिए, क्या आपको मौसम अजीब सा नहीं लग रहा? फिर विलेज चीफ को भी लगा कि हाँ लग तो रहा है। उसके बाद मैंने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे फ्रेंड ने मुझे दी है जो कि ब्यूरो में काम करता है, अगर आपको बाद में पता लगे कि मैंने झूठ बोला तो आप पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं, आपको एक दिन का जो भी नुकसान होगा मैं उसे भर दूंगा। शियालिन बोलता है, क्या तुम पागल हो? तुमने ये सब कह दिया और अगर सोचो कि डेट गलत निकल गई तो, और विलेज चीफ ने फिर पुलिस को बुला लिया और तुम अरेस्ट हो गए फिर? सोंगयान बोलता है, अगर मैं गलती कर भी दूं तो वो मैं होऊंगा जिसे पुलिस अरेस्ट करेगी, और इतना विश्वास तो तुम मुझ पर कर सकते हो, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा, चिंता मत करो। शियालिन को गुस्सा आता है, पर वो सोंगयान की बेवकूफ़ी पर और बहस नहीं करना चाहता था। पर हमारा शियालिन भी तो नहीं समझता वो सोंगयान की बेवकूफ़ी नहीं, सोंगयान का प्यार है उसके लिए जो विश्वास बनकर हमेशा झलकता है। फिर गाड़ी में सोंगयान बोलता है, क्या हुआ? शियालिन बोलता है, मुझे एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता कि मडस्लाइड कब होनी है, लेकिन जहाँ तक है दोपहर के 1 से 2 बजे के बीच होती है और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, केवल 3 घंटे बचे हैं। सोंगयान, मैं आशा करता हूँ कि जितने भी टूरिस्ट हैं उन सबको जल्द से जल्द निकाल दें। सोंगयान शियालिन का हाथ पकड़ता है और बोलता है, तुम्हारे हाथ काफ़ी ठंडे हैं, लाओ मैं गर्म कर देता हूँ। और फिर वो देखता है कि शियालिन अपना हाथ नहीं हटा रहा, तो सोंगयान शियालिन का हाथ कस के पकड़ लेता है और बोलता है, डरो मत, जो कुछ भी पिछली ज़िंदगी में हुआ था अब ऐसा कुछ भी वापस नहीं होगा, तुम जो भी दुआ कर रहे हो शियालिन, भगवान वो सब सुन रहा है। और तभी कोई गाड़ी के गेट पर आता है, वो विलेज के चीफ थे। वो बोलते हैं, तुम सही कह रहे थे, बहुत भारी वर्षा हो रही है,
लगता है कुछ तो बुरा होने वाला है, और वो अंदर बैठ जाता है। वैसे तो तुम मुझे ये पहले ही बता चुके थे, लेकिन एमरजेंसी हो गई है और हमारा चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर, सोंगयान पूछता है, विलेज चीफ, कैसी एमरजेंसी? विलेज चीफ बोलते हैं, कॉलेज के कुछ बच्चे यहाँ पर ट्रिप के लिए आए थे, तो उन्होंने यहाँ के गांव के बच्चों को पैसे दिए थे ताकि वो उन्हें घुमा लाएं, और रास्ते में ही बारिश पड़ गई। उनमें से हमारे गांव का एक बच्चा लापता है और बिना छाते के है। उन लोगों ने उस बच्चे का इंतज़ार करा, पर वो आया ही नहीं, और अब उस बच्चे की माँ रो रही है। शियालिन सोचता है, पिछली ज़िंदगी में मेरे कुछ क्लासमेट्स ने सोचा तो था कि एक बच्चे को ले जाएंगे, पर उस बच्चे ने काफ़ी ज़्यादा पैसे मांगे थे और मैंने कहा था कोई बात नहीं, और इसीलिए हम उस बच्चे को नहीं ले गए। लेकिन शायद क्योंकि मैं वहाँ नहीं था तो उस बच्चे को ये लोग ले गए हों। और शियालिन बोलता है, मैं उसे ढूंढने जाऊँगा। और वो मन में सोचता है, वो बच्चा एक तरह से मेरी वजह से गुमा है, मुझे उसे बचाना होगा। विलेज चीफ बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप यहाँ के डॉक्टर हैं जो हमें बचाने के लिए आए हैं, तो फिर हम आपको इस तरह की दुर्घटना में नहीं फंसाना चाहते। शियालिन बोलता है, डॉक्टर की जिम्मेदारी ही यही होती है कि वो लोगों को बचाए। मुझे फर्स्ट एड आता है, अगर वो बच्चा कहीं घायल है तो मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। विलेज चीफ बोलते हैं, लेकिन। और शियालिन सोंगयान की ओर देखता है और बोलता है, मुझे अपनी कार दे दो और विलेज चीफ के संग जाओ। सोंगयान बोलता है, तुम मुझे रास्ता बताओ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। अगर हम तीनों जाएंगे तो एक दूसरे का ध्यान रख पाएंगे। शियालिन बोलता है, ठीक है, मैं टीचर की को कॉल करता हूँ। और वो उनको फ़ोन करता है। किमी बोलता है, तुम कहाँ हो? शियालिन बोलता है, मैं सोंगयान की गाड़ी में हूँ और अब मैं पहाड़ों पर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक बच्चे को ढूंढना है। किमी थोड़ी सी एक्टिंग करता है, मैं भी तुम्हारे साथ। तभी शियालिन रोकता है, नहीं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं टीचर की। अगर हम 1 बजे तक नहीं आए तो आप शहर में फ़ोन करके रेस्क्यू टीम को बुला लेना, शायद यहाँ पर मडस्लाइड आने वाली है। मैं फ़ोन रखता हूँ। और किमी आसमान की ओर देखता है, वो काफ़ी दुखी था पर वो कर क्या सकता था, ऑर्डर्स तो ऑर्डर्स होते हैं। तभी सॉन्ग हुआ सेंग का फ़ोन आता है। किमी फ़ोन उठाता है और बोलता है, जैसा तुमने कहा था मैंने कर दिया है। और फिर सीन चेंज होता है, वो तीनों उस बच्चे को ढूंढ रहे थे पर वो नहीं मिल रहा था। शियालिन बोलता है, विलेज चीफ, मुझे याद आया, आपने मुझसे कहा था कि वो कॉलेज के बच्चे आधे से ज़्यादा रास्ता क्रॉस कर चुके थे और वहाँ से लौट रहे थे, है ना? विलेज चीफ बोलता है, हाँ। शियालिन कहता है, और वो बच्चा पहले ही आ गया था, इसीलिए उन लोगों ने आगे का सफ़र तय नहीं करा, और जहाँ तक है हमने सारा एरिया देख लिया है, वो बच्चा कहीं नहीं। तो ऐसा तो नहीं वो पहाड़ों के ऊपर चला गया हो? सोंगयान कहता है, मुझे लगता है जो तुम कह रहे हो वो बात सही है। और सोंगयान बोलता है, जहाँ तक है वो बच्चा ऊपर चढ़ा होगा, लेकिन क्योंकि रास्ते पर फिसलन है वो वहाँ से गिर गया होगा और अब वो कहीं फंसा हुआ है। विलेज चीफ बोलते हैं, पर उस बच्चे को ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, हमें क्या करना चाहिए? क्या मैं पुलिस को फ़ोन कर दूं? वो लोग आके उसे ढूंढ लेंगे, या फिर गांव के और लोगों को बुलाऊं ताकि वो हमारी मदद करें? शायद और लोगों को बुलाना ज़्यादा अच्छा है। और विलेज चीफ फ़ोन करने लगते हैं। शियालिन मन में सोचता है, मडस्लाइड बस होने ही वाली है, और जिस तरह से विलेज चीफ कह रहे हैं कि वो लोगों को बुलाएंगे, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि मडस्लाइड से वो सब लोग मारे जाएंगे? विलेज चीफ बोलते हैं, मेरा फ़ोन, यहाँ पर तो सिग्नल ही नहीं आ रहे, आखिर हो क्या रहा है? सब कुछ बिगड़ रहा है।
शियालन बोलता है, विलेज चीफ, आप पहाड़ों के नीचे जाइए और वहाँ से मदद लेकर आइए। तब तक मैं और सोंगयान उस बच्चे को ढूंढते हैं। और शियालन मन में सोचता है, ये समय सही रहेगा। अगर विलेज चीफ चले जाएंगे तो वो खुद भी मडस्लाइड से बच जाएंगे, और जब तक बाकी लोग आएंगे तब तक मडस्लाइड ख़त्म हो चुकी होगी। विलेज चीफ बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आप दोनों अपना ध्यान रखना। सोंगयान बोलता है, केवल एक घंटा बचा है, हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है, और अगर हम उस बच्चे को नहीं ढूंढ पाए तो हम 12:30 बजे तक यहाँ से निकल लेंगे। शियालन कहता है, ओके। फिर आधे घंटे बाद वो लोग अभी बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं। सोंगयान कहता है, शियालन, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अगर हम उसको ढूंढते रहे तो हम खुद को नहीं बचा पाएंगे। शियालन को समझ नहीं आ रहा था, वो काफ़ी दुखी था। वो मन में सोचता है, वो बच्चा अकेला है, ना जाने कहाँ फंसा होगा। अकेले रहने का जो डर होता है वो मुझसे बेहतर कौन जानता है। सोंगयान शियालन के पास आता है और बोलता है, शियालन। और तभी मडस्लाइड होना चालू हो जाती है। सोंगयान चिल्लाता है, ये तो मडस्लाइड है। शियालन कहता है, लेकिन मडस्लाइड इतनी जल्दी कैसे आ गई। और शियालन सोंगयान का हाथ पकड़ता है, मेरे साथ चलो। और फिर भागता हुआ मन में सोचता है, जिस जगह मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में छुपा था वो जगह ज़्यादा दूर नहीं है, वहीं जाना होगा। और वो दोनों भाग रहे होते हैं और भागते भागते उस गुफा में छुप जाते हैं। सोंगयान राहत की सांस लेता है और बोलता है, शुक्र है, काफ़ी खतरा था। और सोंगयान पीछे देखता है, कोई शख्स एक बच्चे को उठाकर हवा में उड़ रहा था। वो शख्स सोंग ह्वाई सेंग था। वो सोंगयान की ओर देखता है और फिर जादू करके उस गुफा को तोड़ देता है। पानी का बहाव गुफा तक आ जाता है। सोंगयान ये सब देखकर शॉक हो चुका था और वो एकदम से शियालन को पकड़ता है और कहता है, शियालन भागो। और वो दोनों भागने लगते हैं। तो आखिर होने क्या वाला है, आप सब जानना चाहेंगे? तो इसे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।